नमस्कार दोस्तों, हर व्यापारी का सपना होता है कि उसका व्यापार नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए। और कभी आपने देखा है कि अगर एक ही व्यापार को दो लोग कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है जो न पढ़ाई में अच्छा है ना जिसके पास कोई टैलेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो व्यवसाय है वो एकदम तरक्की पर है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और देखने वाली बात आती है कि और एक ऐसा जो अच्छा पढ़ा लिखा भी है, अच्छा पैसा लगाया है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके पास बिजनेस में कोई मोमेंट ही नहीं आ रही है। जो जैसा है वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात आती है देखने वाली। इसके पीछे मैं बार बार आप लोगों से एक चीज़ कहती हूँ कि अगर हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण होंगे तो यकीनन हम उन क्वालिटीज़ को यूज़ करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये क्वालिटीज़, ये गुण जो हैं, ये स्टडी से नहीं आते, ये आपको अपने अंदर अपने आप पैदा करने पड़ेंगे। कुछ कुदरती हमें मिले हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी वीकनेस को जानकर उसको दूर करें तो हम भी उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो हमें एक अच्छा व्यापार करने के लिए चाहिए। यहाँ मैं 6-7 चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। ये चीज़ें जो हैं, ये अगर ये गुण जो हैं, ये अगर आप अपने अंदर ले आएं और इनमें से कोई एक गुण आपके अंदर नहीं भी है तो आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि वो चीज़ हम में आए। फिर देखिए आपके व्यवसाय में कैसे तरक्की आती है। उनमें सबसे पहला आता है वाणी, जबान, बोलने का तरीका। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहते हैं, अच्छा एक बार क्या हुआ कि अकबर ने बीरबल से बोला कि कोई ऐसी चीज़ लाओ जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना दे और वही चीज़ इंसान को इंसान का अजीज़, दिल अजीज़ बना दे। बीरबल एक बकरे की जीभ काट कर ले आए और उन्होंने सामने रख कर कहा, ये एक जबान है। जबान में एक ऐसी पावर है कि ये चाहे तो दुश्मन इंसान मित्र को भी दुश्मन बना दे और यही वह चीज़ है जो दुश्मन को भी मित्र बना दे। अगर आप अपने व्यवसाय को एक अच्छी ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो अपनी वाणी को एक ऐसा रूप दें जिससे कि सामने वाला आपकी वाणी से मोहित हो जाए और आपकी बात मानने को, आपके साथ बिजनेस करने को वो अंदर से मजबूर हो जाए, उसका दिल खुश हो जाए। मैं यहाँ किसी तारीफ़ या किसी वो जिसे कहेंगे बेफिजूल की ललचप करने को नहीं कह रही हूँ। आपकी वाणी जो है उसमें एक खूबसूरती हो, सच्चाई हो, बहुत सलीके से हो बातचीत करने का ढंग, फिर देखिए कैसे कोई आपके साथ बिजनेस करने से इनकार कर देगा। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है चालाकी। चालाकी एक ऐसा यंत्र है जो अगर आपके पास होगी, ये हर बिजनेस के मैन के पास होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये चालाकी नहीं होगी आप एक स्मार्ट बिजनेस मैन नहीं बन सकते। ये एक ऐसा यंत्र है, देखिए स्मार्टनेस का ज़माना है सो स्मार्ट वर्क तो बेहद ज़रूरी है, पर यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी को धोखा दें, किसी के साथ झूठे वादे करें, क्योंकि कल को आप अगर वो वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, कोई झूठी डील कर लेते हैं तो आपको नुकसान होगा। सो आपको एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आप में इतना हुनर हो कि अगर आपके सामने कोई मौका आया है बिजनेस करने का, कोई ऑर्डर लेने का, कोई डील करने का, तो आप उसे लपक सकें। आप में इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि वो मौका 100 में लोग हैं तो 100 में से आपके हाथ में आए, ये चलाकी चाहिए। तीसरी बात आती है गुप्त बातें, बहुत ज़रूरी हैं। बिजनेस में बहुत से सीक्रेट होते हैं,
इन्हें आप खुले आम हर किसी के साथ, देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो अपने सीक्रेट नहीं रख पाते हैं, और ये लोग अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं बन पाते क्योंकि ये अपने सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर कर देंगे, और जिसने सीक्रेट शेयर कर दिए सामने वाला उसे बेवकूफ़ बनाकर निकल जाएगा। सो ये बेहद ज़रूरी है कि अगर आप किसी काम में अपनी सफलता चाहते हैं तो आपको ये गुप्त जो रहस्य हैं बिजनेस के, वो आपको अपने तक या अपनों तक ही शेयर रखने पड़ेंगे। जो बेहद ज़रूरी हैं आपके बिजनेस पार्टनर हैं उन तक ही रखिए। चौथी चीज़ आती है पॉजिटिव थिंकिंग, ज़रूरी है। अगर आप काम को स्ट्रांगली शुरू कर दिया है, आपका माइंड प्लान अच्छा चल रहा है, आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी पड़ेगी। हाँ मैं इसमें कामयाब होऊंगा, जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। जो वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और पांचवी चीज़ जो आती है ये थोड़ी सी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदारी भी आपको अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनाएगी। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ईमानदारी नहीं रखें, क्योंकि ईमानदारी से किया गया बिज़नेस जो है वो आपको अच्छा बिजनेसमैन बना देगा। लेकिन अगर कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदारी रखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको ऊंचाइयों तक जाने में रुकावट आएगी। ये गौर कीजिएगा, मेरा यहाँ कहीं इंटेंशन ये नहीं है कि आप गलत रास्ते अपनाएं। आपको समय और स्थिति के हिसाब से कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ईमानदारी रखते हुए, आप ईमानदारी रखते हुए इन कंप्रोमाइज़ को करें। और छठी चीज़ जो आती है वो आती है डीलिंग पावर। ये पावर होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें किसी बिज़नेस को डील करने की किसी भी तरह का आपके सामने डीलिंग आती है तो आपके अंदर इतनी पावर हो कि आप उस डील को पकड़ सकें, ले सकें। पहली कोशिश ईमानदारी रहनी चाहिए। यकीनन अगर आप में ये डील करने की पावर, किसी के साथ भी आप बात कर रहे हैं आपकी बातों में स्ट्रांगनेस होनी चाहिए उस डील को कैच करने की, उस डील को पकड़ने की, ये तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी है। इसके साथ जो एक और बात आती है, सातवीं बात जो मैं बताने जा रही हूँ, वो ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं बेहद ज़रूरी है कि आप मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका एक फिक्स प्राइस रखें। ये नहीं है कि आज इतना है तो कल उतना है। जो प्राइस आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं और जो आप समझते हैं कि मार्केट में इसकी इतनी वैल्यू है तो इस प्रोडक्ट की हमें इतना, अपने प्रॉफिट वगैरह जोड़कर, अपनी लेबर जोड़कर, अपने रॉ मटेरियल्स जोड़कर, जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस बनता है, आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि ये कॉम्बिनेशन आपको करने की पूरी आपके अंदर स्किल होना चाहिए, आपके अंदर पावर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये इन्हें बातें नहीं, इन्हें गुण कहेंगे। ये अगर एक अनपढ़ आदमी के पास भी हैं ये छोटे छोटे से गुण, तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएगा, उसमें लीडर पावर भी होगी। और अगर ये छोटे छोटे से गुण किसी पढ़े लिखे इंसान के पास भी नहीं हैं तो उसको बिजनेस में ऊँचाइयाँ मिलने में कोई लक ही चल जाए तो चल जाए। ये छोटे छोटे से गुण आपको अपने अंदर लाने होंगे, बेहद ज़रूरी हैं। उम्मीद है ये छोटी छोटी सी जानकारी जो है, जो शायद किताबों में नहीं मिलती, ये मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अकोस तरक्की पाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।